हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग्स। तो भाई कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। कई दास बात करेंगे, मुझे कमेंट आ रहा था ना एनिमली स्कैन का, एनिमली स्कैन को लेकर कुछ डाउट है, लाइक कितना प्राइस है, कितना वीक में किया जाता है। तो ये जनरली जो है ये आपका जो है 19 वीक के बाद ही किया जाता है, 19 टू किसी किसी का 22 वीक तक भी जाता है, 18 टू 22 वीक के अंदर में किया जाता है। जैसे मेरा 20 वीक चल रहा था, 19 वीक 5 डे में हुआ था, तो इसके बीच में करना चाहिए। स्पेशली जो है इसमें देखा जाता है बेबी का पूरा पार्ट, क्या बना है क्या नहीं बना है, कहीं किस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसे मेरा पता चला है प्रॉब्लम बेबीज़ का। तो ये सब जनरली देखा जाता है, और ये जो हार्ट का इशू ये तो जनरली एंटी स्कैन में पता चल जाता है, बट पता नहीं मेरा एंटी स्कैन में पता नहीं चला, एनोमैली में पता चला। एंटी स्कैन में क्या होता है, बेबी इतना ग्रो नहीं हुआ होता है, जिसके वजह से आई थिंक डिटेल में पता नहीं चलता है, इसलिए एनोमैली स्कैन के लिए बोला जाता है। तो अगर आपको एनोमली स्कैन के लिए बोला जाता है तो बेहतर होगा कि आप एनोमली स्कैन कर लीजिए। इसमें क्या होता है, बेबी के बारे में पूरी जानकारी हम लोग को मिल जाता है। मैं आप लोग को अपना जो है एनोमली स्कैन का रिपोर्ट भी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको पता चलेगा मतलब एनोमली स्कैन में क्या देखा जाता है। जनरली सब कुछ डिटेल में मेंशन रहता है, अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है देन वो भी बोला जाता है क्लियरली। तो गाइस एनोमली स्कैन ज़रूरी है, ये एक इम्पोर्टेंट स्कैन है, तो अगर आपको बोला जाता है तो आप कर लीजिए, ये बेहतर होगा। तो इसका प्राइस कितना है ये भी एक सवाल है ज़रूर। इसका प्राइस जो है, मैं इंदिरा भी कोलकाता के बात कर रही हूँ, यहाँ पर 5,000 लिए थे, और वो मेरा ट्विंस प्रेगनेंसी था। पता नहीं ट्विंस में प्राइस ज़्यादा है ये सिंगल के कंपैरिजन में, ऐसा कुछ लोगों का सिस्टम है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है, बट मेरा ट्विंस था और जो है इसका प्राइस था 5,000। और एक सवाल ज़रूर रहता है एनोमली स्कैन को लेके, कितना टाइम लगता है स्कैन? ये 1 घंटा तो लग ही जाता है, जनरली 1 घंटा से 1.5 घंटा लगता है। अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है, मेरा थोड़ा इशू की वजह से 2 घंटा लगा था, बट इसके अगर आप एनोमली स्कैन के लिए जाते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेके जाना होगा, क्योंकि स्कैन में ही 1.5-2 घंटा लग जाता है। ऊपर से अगर आपसे पहले 1-2 स्कैन रह जाता है तो वो ख़त्म करके आपका नंबर आते आते तो और ही लेट हो जाता है, उस हिसाब से जाना है। तो ये कुछ जानकारी था एनोमली स्कैन के बारे में। तो गाइस अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक है, प्रेगनेंसी रिलेटेड ही नहीं बहुत सारा लिंक है जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ उसका लिंक है, जो प्रोडक्ट जो इक्विपमेंट में मैं वीडियो बनाती हूँ उसका भी लिंक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ख़रीद सकते हैं, और ये अमेज़न का लिंक है, दूसरा किसी का नहीं है। अगर वो लिंक पे आप लोग क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट अमेज़न पेज ही खुलता है, आपका फ़ोन में जो अमेज़न पेज इंस्टॉल रहता है उसी में ही खुलता ही है, और रिटर्न पॉलिसी सब कुछ जैसा जो है अमेज़न का वैसे ही है। तो गाइस फिर मिलते हैं अनदर न्यू ब्लॉग्स में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।